पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन। तुम्हें धन्यवाद दें सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन। तुम्हें धन्यवाद दें सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो। जीवन ज्योति खिलाने को अंधेरा सब मिटाने को, जीवन ज्योति खिलाने को अंधेरा सब मिटाने को, अंधेरा सब मिटाने को। चढ़े सूरज हो तुम जग में जी तुम हो धन, तुम हो धन। चढ़े सूरज हो तुम जग में जी तुम हो धन, तुम हो धन। हमारे सारे मिटाते हो महा दुख से बचाते हो, पाप सारे मिटाते हो महा दुख से बचाते हो, महा दुख से बचाते हो। धर्म का राज लाते हो जी तुम हो धन, तुम हो धन। धर्म का राज लाते हो जी तुम हो धन, तुम हो धन। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन। तुम हो धन, तुम हो धन। बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम, बहुत सोते जगाए तुम बहुत डूबे बचाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम। बहुत उजड़े तुम हो धन, तुम हो धन। बहुत उजड़े बसाए तुम जी तुम हो धन, तुम हो धन। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन।
Yeah.
सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन। तुम्हें धन्यवाद दें सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन। तुम्हें धन्यवाद दें सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो जीवन ज्योति खिलाने को अंधेरा सब मिटाने को, जीवन ज्योति खिलाने को अंधेरा सब मिटाने को, अंधेरा सब मिटाने को। चढ़े सूरज हो तुम जग में जी तुम हो धन, तुम हो धन। चढ़े सूरज हो तुम जग में जी तुम हो धन, तुम हो धन हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन। पाप सारे मिटाते हो महा दुख से बचाते हो, पाप सारे मिटाते हो महादुख से बचाते हो, महादुख से बचाते हो। धर्म का राज लाते हो जी तुम हो धन, तुम हो धन। राज लाते हो जी तुम हो धन, तुम हो धन हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन, तुम हो धन, तुम हो। बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम, बहुत सोते जगाए तुम बहुत डूबे बचाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम। भवक उजड़े बसाए तुम जी तुम हो धन, तुम हो धन। भवक उजड़े बसाए तुम जी तुम हो धन, तुम हो धन हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन।
तुम हो धन हमारे पूजनीय सतगुरु जी, तुम हो धन, तुम हो धन, तुम्हें धन्यवाद दे सतगुरु जी, तुम हो धन, 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 तुम हो धन।
हे सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव जीवन धारी देव आत्मा हैं, आप सद्धर्म के प्रवर्तक हैं, आप देव धर्म के संस्थापक हैं, आप सकल हितों के संपादक हैं। आप कैसे महान कल्याणकारी रूप प्रसन्न लाकर हम तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आपके भीतर से विलक्षण देव ज्योति का प्रकाश हुआ है, जिसके द्वारा आप अधिकारी मनुष्य आत्माओं उनके आत्मा के रूप, आत्मा के पतन और आत्मा के कुशल को दिखाते हैं। उससे बढ़कर उन्हें सच्चा ज्ञान और सच्चा बोध प्रदान कर उन्हें सच्ची शुद्धि प्रदान करते हैं। आप कैसे महान कल्याणकारी रूप प्रसन्न लाकर हम तो आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आपके भीतर विलक्षण देव ज्योति के भिन्न देव देही का भी प्रकाश और विकास हुआ है, जिसके द्वारा आप मनुष्य आत्माओं की नीच घृणाओं, नीच भावों, नीच रागों को नष्ट करके उनके अंदर उच्च राग, उच्च बोध और उच्च ज्ञान उत्पन्न करके उनका उच्च रूप में विकास साधन करते हैं। आपके ऐसे महान परम कल्याणकारी रूप प्रसन्न रूप लाकर हम तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। परम पूजनी भगवान देवात्मा के 169वें आविर्भाव पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी सम्मान के धर्म संबंधियों और श्रद्धावानों के लिए और मैं अपने लिए परम पूजनीय भगवान देवात्मा के 169वें आविर्भाव महोत्सव पर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। सबसे बढ़कर मुबारकबाद उन हस्तियों को जिन्होंने परम पूजनीय भगवान देवात्मा के महालक्ष्य के लिए अपने जीवन भेंट किए और जिस लक्ष्य की आधारशिला परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने रखी है उसे आगे बढ़ाने के लिए लगातार त्याग और कुर्बानियां की हैं। मेरे अपने लिए और आप सब धर्म संबंधियों और पूरी मानव और इस मानव जाति के लिए विकासकारी शक्तियों से प्रार्थना है कि इस महोत्सव के लिए पर देव प्रभाव हमारे हृदयों को स्पर्श करके उनमें उच्च भाव और उच्च संकल्प उत्पन्न कर सकें और पूजनीय भगवान और समाज के संबंध में हमारी एक या दूसरी नीच गति का बोध हमें दुखी और अशांत करे और उसमें से निकलने की कोशिश हम कर सकें। आपके देव प्रभाव हमारी नीचता और हृदय के विकारों को नष्ट करे। आपके देव प्रभाव हम तक पहुंच सकें। हे भगवान, यह महोत्सव हमारे हृदयों में आपके प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता, सेवा, परोपकार विषय भाव उत्पन्न और अधिक उन्नत करने में सहायक हो और हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। हे भगवान, ऐसा हो कि यह महायज्ञ हमारे लिए जहाँ तक संभव हो सफलता देने वाला हो और सभी सामाजिक जनों और श्रद्धावानों में उच्च आकांक्षाओं, उच्च संकल्पों और उच्च भावों और उच्च त्यागों और उच्च जीवन को लाने वाला हो और देश समाज के विकास और उन्नति का हेतु बन सके, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। हे परम पूजनीय भगवान, इसमें हम सभी आपसे यह आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं कि हम सबके हृदयों की भावनाएं शुद्ध हों और आपके प्रति हमारी समर्पण की भावना और भाव उत्पन्न हो सकें और हम सब इस महोत्सव पर आपके देव प्रभाव लाभ कर सकें और आत्मिक अवस्था को देखकर जहां तक संभव हो सके हम अपने उच्च भावों को जागृत करने का अवसर लाभ कर सकें। हे भगवान, हम सभी को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। मैं यहाँ पर देव समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए विशेष सम्मान के योग्य धर्म संबंधियों एवं श्रद्धावानों, देव समाज महाविद्यालयों, देव समाज के विद्यालयों के छात्र और छात्राओं, आप सभी का मैं यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी ने परम पूजनीय भगवान देवात्मा के 169वें आविर्भाव पर दिवस पर
शामिल होने का जो हमें आप सौभाग्य पा रहे हैं। मैं स्वयं और देव समाज प्रबंध कारिणी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। मैं और आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि महोत्सव की पूर्व संध्या पर हम यहाँ एकत्र होकर परम पूजनीय भगवान देव आत्मा द्वारा रचित व्यवस्था के अनुसार महोत्सव पर जो सभाएं विद्वान सभापति करवाएंगे, आप सभी उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनकर लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। विशेषकर विशेष दिन की सभा मेरे परम उपकारी श्रद्धे श्रीमान जी सेक्रेटरी साहब देव समाज द्वारा करवाई जाएगी। उस सभा का महत्व मेरे लिए अमृत प्राप्त करने जैसा होगा और आप सभी भी उनके द्वारा जो सभा होगी अपने हृदयों की मलिनताओं को अपने आप को देखने का और उन मलिनताओं को धो डालने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि देव समाज के लोगों की पीढ़ी जिसने देव धर्म की सफलता और अपने आत्मिक जीवन की रक्षा करते हुए हमेशा साफ हृदयों से देव समाज के साथ जुड़कर देव समाज देव धर्म की सफलता के लिए जो दुख दर्द सहते हुए वह महान लोग अपने जीवन में देव समाज के प्रति अपना समर्पण करते हुए अपने जीवन में जिन्होंने निछावर किए उनको भी हम यहाँ याद करेंगे। माननीय श्रीमान जी उस पीढ़ी के जमाने से माननीय श्रीमान जी देव समाज में आए और एक महान विचारक और दार्शनिक के रूप में समाज को विकास की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। देव समाज की फिलॉसफी को आज वही हमारे मध्य हैं जो परम पूज्य भगवान देव आत्मा की विश्ववादी रूप और दृष्टिकोण को समझने में समर्थ है। टुडे ही इज द लास्ट लिंक ऑफ देव समाज देसाई सिंह। मैं भी आज यहाँ पर उन्हीं के कारण इस सभा को करवाने जा रहा हूँ। ये सभा कितनी सफल होगी कितनी नहीं होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने हृदय के भावों से जो कुछ मैं अनुभव करता हूँ मैं उस बात को आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। देव समाज का जो फलसफा है वो शिष्टाचार से शुरू होता है। सबसे पहले हम देव समाज में आके हेलो।
सुंदर लय में हमारी बेटियों ने सभी का स्वागत किया। यहाँ पहुँचने पर मैं इनका भी दिल से धन्यवादी हूँ। देव समाज का फलसफा जो है वो शिष्टाचार से शुरू होता है और हमारे को संबंधों के बारे में समझाते हुए ज्ञान सागर में डुबोकर मनुष्य के अंदर दया, सेवा, परोपकार, कृतज्ञ होने के भावों के साथ और मनुष्य का विकास सात्विक भावों तक हो सकता है। इस तरह की बातें केवल देव समाज में होती हैं। दुनिया में कितने ही धर्म हैं और कितने ही धर्म गुरु हैं, कहीं जाइए आप, वो सबसे पहले तो शिष्टाचार को तोड़ते हैं और देव समाज का फलसफा शिष्टाचार से शुरू होता है। दुनिया में बहुत सारे इनकलाब हुए, बहुत सारी क्रांतियां हुई, लेकिन धर्म की दुनिया में असली क्रांति परम पूजनीय भगवान देवात्मा के आविर्भाव के साथ और उसके बाद 1887 में जब लाहौर में परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने देव समाज की स्थापना की और एक क्रांति जिसने दुनिया को बदला 1917 में भी हुई और इस तरह से मनुष्य जीवन में बदलाव हुए, परिवर्तन हुए और आज हम फिर जहाँ पहुँच गए हैं उस बात को फिर हम सोचने के लिए मजबूर हैं कि इंसानियत कहाँ और किधर जा रही है और उसको कहाँ जाना चाहिए। ये बात हम देव समाज में आकर समझ सकते हैं क्योंकि धर्म की दुनिया में अभी तक ये बात प्रचलित है कि यहां तर्क का कोई सवाल नहीं है, यहां वैज्ञानिक रूप से सोचने का कोई सवाल नहीं है और धर्म तो आस्था का विषय है, इस तरह की बातें प्रचलित हैं। परंतु पहले बार गुरु महाराज ने विज्ञान को अपनाकर धर्म जगत को महिमा मंडित किया। उन्होंने कहा हम जो पाप क्रियाएं करते हैं, हम जो बुरे काम करते हैं, उनसे हमारी जीवनी शक्ति को नुकसान पहुंचता है और हमारे को ये आवश्यक है मनुष्य जाति अपनी जीवनी शक्ति को बुरे कामों से बचाए, पापों से बचाए और उसमें सद्गुण पैदा करें और सद्गुण पैदा करने के साथ वह
वैज्ञानिक विधि से सोचें। हम जब आस्था के वश होकर कोई बात सोचते हैं तो आमतौर पे वो बात ठीक नहीं होती, और जब हम मस्तिष्क से और तर्क से वैज्ञानिक विधि से कुछ सोचते हैं तो उसका कोई परिणाम निकलता है। गुरु महाराज ने कहा कि आपको पापों और अंधकार से मुक्ति मिल सकती है, आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सोचने का तरीका है, जो समझ का तरीका है, उसको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। और कहा कि हमारा सोचने का तरीका अगर वैज्ञानिक नहीं है तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। इस बारे में देश माज का फलसफा है क्या और गुरु महाराज कितने महान है, इस बारे में जो सभापति कल से सभाएं करवाएंगे, आप अगर अपने साफ हृदय से बैठेंगे यहां पर और आत्मसात करेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक नई दुनिया में आ गए। हम यहां पर अपनी शारीरिक सेवा पाएंगे, लेकिन हमें यहां पर उस सेवा के साथ विवेकशील होकर गंभीर चिंतन के साथ इस बात की आवश्यकता रहेगी कि हम कुछ न कुछ देव समाज और परम पूजनीय भगवान देवात्मा के फिलॉसफी के बारे में, दर्शन के बारे में कुछ न कुछ जाने। और वो बात हमारे को कई बार पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, जो जीनियस हैं, जो इंटेलेक्चुअल है बहुत, उनको किताबों से भी बात समझ आ जाती है, लेकिन जो लोग कम पढ़ते हैं मेरी तरह, उन लोगों को जल्दी बात समझने के लिए अगर हम सभाओं में एकाग्र होकर बैठेंगे और सभापति की बात को ठीक से सुनेंगे तो बहुत सारी बातें हमें समझ आ जाएगी। और किसी बड़े विद्वान ने कहा, कभी कभी गुफ्तगू कर लिया करो, जाले लग जाते हैं बंद दरवाजों में भी। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है धर्म की दुनिया में कि कभी कभी देव समाज के सत्संग में आना चाहिए और जो कुछ भी हमारा हृदय में रहा है और जो कुछ भी हमने किया है उसका हम यहां विश्लेषण करें। तो हमारे हृदय में भी जंग लग जाती है, जाले लग जाते हैं, और हम दुनियादारी में इतने खो जाते हैं कि हम अपने जीवन के बारे में, और जो जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है जीवनी शक्ति हमारे अंदर, जिसको परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने आत्मा कहा, उसके बारे में नहीं सोचते। उन्होंने दुनिया से उल्ट बात कही और ठीक बात कही, सही बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हमारी जीवनी शक्ति पाप कर्म करते करते मर सकती है,
वो जम जाती है, वो एक जगह ठहराव भी आ जाता है और कई बार तो रिग्रेशन पीछे चली जाती है। ये बात कही तो हमें लगातार देव समाज के साथ अगर हम संपर्क बनाए रखेंगे, केवल संपर्क नहीं दिल से हम देव समाज के साथ जुड़ सकेंगे, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, बहुत बेहतर इंसान बनेंगे। मुझे अपनी बात याद आ रही थी, जिस तरह आप यंग लोग, नौजवान बच्चे बैठे हैं, उससे थोड़ी सी ज्यादा उम्र में मैं देव समाज के संपर्क में आया और देव समाज में मुझे जो लेकर आए, अगर मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा तो आज की सभा मैं समझूंगा अच्छी नहीं हुई मेरे लिए। मैं आप लोगों की तरह एक विद्यार्थी था और उसके बाद विद्यार्थी जीवन के बाद नौकरी ढूंढने लगा। नौकरी ढूंढते ढूंढते मैं देव समाज में आ गया। जिस जगह मैं गया नौकरी की अर्जी लेके, वहां पर एक महान देव समाज जी बैठे थे, वो वहां मैनेजर थे और मैं उनके पास गया। मैंने वो अर्जी उनके सामने रखी। उन्होंने प्रश्न किया कि अर्जी आपने लिखी है? तो मैं तो बड़ा उदंड किस्म का आदमी था, मैंने कहा आपने थोड़ी लिखी है, मैंने लिखी है। कहते हैं वो भी बहुत, उनका दृष्टिकोण बड़ा जबरदस्त था, उन्होंने कहा दोबारा लिखो। और मैंने खुद लिखी थी तो दोबारा वैसी अर्जी लिख के दे दी। उन्होंने कहा आप नौकरी में पक्के हो गए। मैंने कहा धन्यवाद। और वहां से फिर मेरा संपर्क भी देव समाज के साथ हुआ। वो महानुपकारी हैं जिन्होंने मेरे जीवन में ये परिवर्तन लाया, श्रीमान श्रद्धे धर्मपाल जी शर्मा, उनकी कृपा से मैं देव समाज में आ गया। और मुझे वहां एक बुजुर्ग और मिल गए, उन्होंने कहा, वो बड़े कमाल के आदमी, बहुत जबरदस्त आदमी मिल गए। मैं नौकरी में भी आ गया, फिर देव समाज में भी आ गया, देव समाज में रहने लगा पर्वत आश्रम सोलन में। तो वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझे मिले, वो बड़े कमाल के आदमी थे, परम सद्य के योगे मास्टर इंदर सिंह जी। वो बहुत सारी बातें मुझे समझाते, देव समाज में इस तरह रहना चाहिए, देव समाज में इस तरह बोलना चाहिए, देव समाज में इस तरह कोई काम करने चाहिए। तो मैंने कहा मास्टर जी आप मास्टर थे इसलिए आप ज्यादा बोलते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने कहा आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, चिंतन करो देव समाज की पुस्तकों का, चिंतन करो परम पूजनीय भगवान देव आत्मा के बारे में, चिंतन करो अपने संबंधों के बारे में जो तुम्हारे संबंध है लोगों के साथ। ये बात मास्टर इंद्र सिंह जी मुझे लगातार कहते हैं और मैं देव समाज में
जो मुझे तीसरे बड़े व्यक्ति मिले देव समाज में, वो आज भी हमारे सामने हैं। शायद मैं देव समाज छोड़कर भाग जाता, मैं उन दिनों भी कम्युनिस्ट बन गया था, उस छोटे से कॉलेज में ही मैं कम्युनिस्ट बन गया और अपने को मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी समझता था और मैं समझता था कि हम इस दुनिया को बदल देंगे। और मुझे फिर मेरे बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य हमारे सेक्रेटरी साहब मिले, पर्वताश्रम में मिले। ये कभी कभी श्रीमान जी कभी कभी कॉल मार्क्स की बात करते और दुनिया में शोषण के विरुद्ध बात करते। तो मेरे को कुछ खुराक मिलने लगे और मुझे उन्होंने फलसफा समझाया भौतिक क्रांति की तरफ से धर्म की क्रांति की तरफ चलो, उससे तुम बेहतर इंसान बन सकते हो। खैर, उनका बौद्धिक स्तर और उनकी मानसिकता और उनके बोलने की कला और उनकी समझ और चिंतन इतना ऊंचा है और इतना सरल भी है, ऊंचा भी है, गहरा भी है और सरल भी है, आम लोगों को उनकी भाषा बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। और इसीलिए तो हम श्रीमान जी जब हम महोत्सव में आते तो श्रीमान जी का पब्लिक लेक्चर होना होता था और एक दूसरा लेक्चर होता था श्रद्धे एसपी कैनल साहब का। मैं श्रीमान जी के और श्रद्धे श्रीमान जी के और एसपी कैनल साहब के लेक्चर को सुनने का बेसब्री से इंतजार करता। जो बात मुझे पुस्तकों से समझ नहीं आती उस बात को एक घंटे के पब्लिक लेक्चर में माननीय श्रीमान जी इस तरह समझा देते और मुझे मेरे पर बहुत गहरा असर हुआ, बहुत गहरा असर हुआ। और मैं लगातार जहां क्रांति की पुस्तकें पढ़ता रहा, जहां मैं कानून की पुस्तकें पढ़ता रहा, जहां मैं साहित्य की पुस्तकें पढ़ता रहा, मैं देश समाज की भी पुस्तकें पढ़ता रहा। और मैंने महसूस किया, मैंने अनुभव किया कि अभी तक के जो धार्मिक गुरु और भगत दर्शन की दृढ़ता में जी रहे थे, उनकी फिलॉसफी दुनिया के लिए बदलने की नहीं थी। कुछ बातें तो ठीक हो सकती हैं लेकिन जो समग्र रूप से मनुष्य का वो मनुष्य बनाना है वो उन धार्मिक गुरुओं में और उनकी फिलॉसफी में उस तरह की कोई बात नहीं है। और ये अंधेरा, ये जो अंधेरा मिथ्या का अंधेरा, मिथ्या धर्मों का अंधेरा जो
बहुत गहरा होता जा रहा था, परम पूजनीय भगवान देवात्मा के आविर्भाव के साथ ही वो अंधेरा छटना शुरू हो गया और इसके देव धर्म की स्थापना के साथ ही धार्मिक जगत भी वैज्ञानिक अवधारणा से, वैज्ञानिक सिद्धांतों से महिमामंडित हो गया। ये पहली बार धर्म में एक क्रांति पैदा हुई। जिस क्रांति ने मनुष्य को बदला और इतना बदला कि अगर उनके रूप को जो परम पूजनीय भगवान देवात्मा के शिष्य हैं, ये आप सबके सामने उन महान विभूतियों की तस्वीरें लगी हैं, आप इनको देखना, साधारण से मनुष्य लगते हैं लेकिन ये साधारण लोग नहीं थे, ये साधारण लोग नहीं थे। मेरी नजरों में ये लोग दुनिया के महान लोगों में से हैं जिन्होंने उस समय में किसी ने इंजीनियरिंग किया था, कोई LLB था, कोई पोस्ट ग्रेजुएट था, और उस समय में आज से सैकड़ों वर्ष पहले उनको बहुत अच्छे सेवाओं के मौके, नौकरियां मिल सकती थी, लेकिन जब उन्होंने देव समाज के फलसफे को पढ़ा, उसे आत्मसात किया, तो उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य देव धर्म के लिए काम करने के लिए निश्चित कर लिया। कल आपको बताएंगे सभाओं में सभापति कि वो महान लोग कौन कौन और किस कितने विद्वान थे। और उन्होंने जब देव धर्म के लिए काम किया अपने क्षेत्रों में जाकर मनुष्यों के बीच में समाज, ना केवल देव समाज बल्कि जो हमारा समग्र समाज है उसमें जो काम किया, वो काम का अगर हम चिंतन करें और उस काम की जब हम समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि उन लोगों ने अपने जीवनों को त्याग कर दिया, कुर्बान कर दिया, और उस कुर्बानी ने देश माल की बात को दुनिया के सामने भी लाया। ऐसे लोगों के परिवर्तन किए जो कन्याओं को जन्म से पहले ही मार देते थे। वो कहते थे ऐसे लोगों को बदला जो अपनी कन्याओं को उससे पहले ही, जन्म से पहले ही, ऐसे लोग जो शिकार करके जंगली जानवरों को यातना देकर शिकार करते, ऐसे लोग जो शराब की भट्टियां चलाकर, ऐसे लोगों को जब वो परम पूजनीय भगवान देवात्मा की शरण में आए तो
विरोधता के बावजूद उन्होंने अपने आप को बदल लिया और पापों की दुनिया से वो पुण्य की दुनिया की तरफ चले। और जो कुछ देव समाज ने किया वो मेरे हिसाब से मानव जाति के भाग्य में अंकित होगा। ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गए लोगों के? ये हृदय परिवर्तन आम बात नहीं होती। मैं तो कोई बहुत फिलॉसफर नहीं हूं देव धर्म का, ना मैं कोई साधक हूं बहुत बड़ा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आज के हालातों में मनुष्य जैसा जीवन जीना हो और हमने अपने आप को मनुष्य कहलाने का अधिकार रखना है तो उसका मूल स्रोत देव धर्म और देव समाज हो सकता है। जहां पर गलत बात की, जहां पर गलत बात की विरोधता होती है, वहां पर सही बात की भी विरोधता होती है। जहां पर न्याय की विरोधता होती है, वहां पर अन्याय की भी विरोधता होती है। जहां सत्य की विरोधता होती है, वहां असत्य की भी विरोधता होती है। और गुरु महाराज ने कहा, सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होए, जग के उपकार में जीवन जाए। आज हम इस सभागार में बैठे हैं गुरु महाराज की कुछ बातें जानने के लिए, और अगर हम थोड़ी भी जान पाएंगे तो ये यहीं से फिर हमारा जीवन परिवर्तन और हृदय परिवर्तन शुरू हो जाता है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है, बहुत सारे लोग तो यह भी नहीं जानते कि विज्ञान होता क्या है, और खासकर धर्म की दुनिया में तो लोग इस बात को निगेट करते हैं। ज्ञान के क्रमबद्ध भंडार को जो सीरीज में है उसको हम विज्ञान कहते हैं, और हम पाते हैं कि एक घटना का संबंध दूसरी घटना से है और दूसरी घटना का संबंध तीसरी घटना में है। इसी तरह से अगर हम चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को आज हम स्कूलों और कॉलेजों में चार्ल्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत को पढ़ाते हैं और हम कहते हैं कि, और फिर हम चोट करते हैं, विज्ञान चोट करता है किस बात पर? भारत में युगों पुराना मिथ्या और अंधविश्वास वैज्ञानिक सोच में बाधा बनता जा रहा है। पुराने रीति रिवाजों को हम ढोते रहते हैं,
कथित धर्म और धार्मिक कठमूल्यपन का प्रयोग गरीब और अनपढ़ लोगों को सही दिशा में ले जाने की बजाय उनको उल्ट दिशा में और उल्ट तरह की शिक्षा दी जाती है और उन्हें लूटने का काम किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि भारत में मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की भरमार है। आप सब लोग जानते हैं, और जब वहां पर आप जाते ही हैं तो सबसे पहले आप कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाते हैं, और गरीब से गरीब आदमी भी जो मंदिर की दहलीज पे जाएगा, मस्जिद की दहलीज पे जाएगा, गुरुद्वारे की दहलीज पे जाएगा, वो अपनी जेब से कुछ ना कुछ भेंट वहां चढ़ाएगा। और मैं समझता हूं कि वो वहां से कोई ऐसी शिक्षा तो नहीं पाता कि उसने अपने संबंध किसी से ठीक करने हैं। मैंने किसी से न्याय करना है ऐसी शिक्षा भी नहीं मिलती, मेरा ख्याल है। मैंने शोषण नहीं करना है इस बात की भी शिक्षा नहीं मिलती। मैंने वैज्ञानिक सिद्धांतों और सत्य का पालन करना है ऐसी भी शिक्षा नहीं मिलती। उसके बावजूद भी हम जाते हैं, और हिंदुस्तान में मंदिरों के अंदर करोड़ों अरबों रुपया और ढेरों सोना क्विंटलों के हिसाब से सोना पड़ा है। और अगर उसको हम ये कहें कि मानव जाति के विकास में वो काम आना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि आधे से ज्यादा भारत इस बात के विरोध में खड़ा हो जाएगा। और भी बहुत सारी चिंतन की बातें हैं, बहुत सारी। और हम बार बार सत्य को और विज्ञान को दरकिनार करके मिथ्या प्रचार और मिथ्या धर्मों के शिकार हो जाते हैं। ये हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए बहुत बुरी बात है। आज हम वैज्ञानिक तकनीक क्रांति के युग से गुजर रहे हैं, और ऐसे अंधविश्वास ना केवल खराब है बल्कि हास्यास्पद भी है। तो गुरु महाराज ने जो कुछ हमको दिया, ना किसी गुरु ने पहले दिया और ना किसी भक्त ने वैसी शिक्षा पाई जो गुरु महाराज ने दी। वो सिर्फ गुरु महाराज के पास आकर ही उस तरह की शिक्षा मिली, और उस तरह के, जैसे मैंने कहा, उस तरह के व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने ना केवल मनुष्य जाति के लिए बल्कि अपनी दृष्टि को विश्ववादी बनाकर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाकर जो कार्य किए, उससे जो परिणाम पैदा हुए, वो परिणाम अति सुख्त सुख्त परिणाम है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विशेष और क्रमबद्ध ढंग से सोचने का मैंने जैसे पहले कहा, और उसे कार्य रूप देने की विधि, इसका अर्थ है हम अपने आंख, दिमाग और कान खुले रखें, हम अपने दिमाग को खुला रखें कम से कम। उसमें जो परिणाम आज दुनिया में कुछ हो रहा है उसका भी हम चिंतन करें,
और फिर हम देव समाज का भी चिंतन करें कि गुरु महाराज ने कब और कब क्या लिख दिया हमारे लिए, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए और मनुष्य जाति के विकास के लिए। मैं ये समय हम इस समय नेचर पूर्ण विज्ञान मूलक सत्य धर्म की शिक्षा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने जिस आत्म अंधकार और जिस जिस प्रकार की मिथ्या झूठ बुराई और जिस जिस प्रकार के नीच अनुरागों और जिस जिस प्रकार की नीच घृणाओं से लिप्त रहकर आत्मिक पतन करते हैं, उसी आत्मिक पतन से मोक्ष और जिन जिन उच्च और सात्विक भावों को विकसित करके अपने आत्मा को उच्च और श्रेष्ठ बना सकते हैं, इस सत्य मोक्ष और विकास के संबंध में परम पूजनीय भगवान देवात्मा से पहले किसी ने धर्म की दुनिया में सत्य ज्ञान का प्रकाश नहीं किया है। इसलिए देव धर्म वैज्ञानिक धर्म, बोलने को तो कुछ और भी था लेकिन अब समय भी हो गया और वो बहुत गहरी बातें भी हैं। ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने के लिए किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वैज्ञानिक और सत्य के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। आप इस बात को समझ लीजिए, ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके तर्क और वैज्ञानिक बुद्धि की शक्ति हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना सिखाती है। यही प्रार्थना का सार है। विश्व जो है वो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, बहुत तेजी के साथ। विज्ञान सूचना क्रांति लाकर विश्व और व्यक्तियों की दूरी कम कर दी है। सूचनाएं जो है वो प्रकाश की गति से चल रही हैं। अब प्रगतिशील और वैज्ञानिक शक्तियों के पास प्रचार के नए साधन उपलब्ध हैं। अगर उन साधनों का प्रयोग मानव जाति की सोच को प्रगतिशील बनाने के लिए होनी चाहिए, मिथ्या विचार इन साधनों का प्रयोग लोगों को गलत रास्ते में ले जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं हम सब देव समाजियों की भी ये जिम्मेदारी है, मेरी भी है, कि हम देव समाज की शिक्षा के प्रसार के लिए और उन्नति के लिए काम करें और सच्चे मन से करें। ये हमारे लिए गुरु महाराज का आशीर्वाद होगा अगर हम ऐसा करते हैं।
एक बात कह के अपनी खत्म करूंगा बात को। हम इस वक्त जो है फिर से ये प्रार्थना करें कि ये जो महोत्सव है हमारा, ये महोत्सव हमारे जीवनों को बदलने के लिए और उसमें परिवर्तन लाने का काम करे। ऐसी मैं कामना आप सब लोगों के लिए करता हूँ। और आप जो आज हैं, आप उससे बेहतर और श्रेष्ठ बन के निकलें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके सुख की कामना करता हूँ। जो गुरु महाराज का जो लक्ष्य है, सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य हुए और जीवन में जगत जग के जीवन में ही ये जीवन जाए, जबकि उपकार में ही ये जीवन जाए, ये गुरु महाराज ने कहा है। तो हम कुछ चिंतन कर सकें आने वाले दिनों में, दो तीन दिनों हम रहेंगे यहाँ पर और सब लोग कुछ ना कुछ सेवा पाएंगे। इसलिए कोशिश हम ये करें कि हम जितनी सेवा पाएं उससे दुगनी सेवा हम करके जाएं। हमारे खाने का प्रबंध, हमारे रहने का प्रबंध, ये सारा, ये जो सजावट की है ये सभागार की, उन सब के प्रति मैं नतमस्तक होते हुए उनका धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सब यहाँ आए और आगे भी आप सभाएं सुनेंगे विद्वानों की। अच्छे विद्वान, मेरे से बहुत अच्छे विद्वान सभाएं कराएंगे और 13 तारीख को जो सभा होगी, मैंने कहा जैसा मेरे लिए तो वो अमृत जैसी सभा होगी। मेरे परम उपकारी श्रद्धे श्रीमान जो सभा करवाएंगे और उससे जो हमारे हृदय में परिवर्तन आता है वो बहुत गहरा और हमें चिंतनशील बनाने में और हमें देव समाज के साथ जुड़ने में बहुत सहायता होगी उस सभा से। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि उस दिन और भी अपने लोगों को लेकर, 13 तारीख को होगा सुबह 9:30 बजे महासभा होगी और श्रीमान जी करवाएंगे। उस सभा में जितने लोगों को आप ला सकते हैं उतने लोगों को लाने की कृपा करें। और अब हम जो है वो जय ध्वनि करके इस सभा को मैं, अच्छा आप सबका धन्यवाद। अब पांडे जी कुछ, अच्छा आइए।